ये पथ्य है, इसको खाने से आप स्वस्थ होंगे। बेर और कैंत खाने से अस्वस्थ होंगे। रोगी को ये वर्जित किया जाता है कि आप ना तो कैंथा खाएंगे ना आप बेर खाएंगे। लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि कैंत और बेर खाना है। क्यों? क्योंकि उस वन में वही वस्तु प्राप्त थी। अच्छा, कोई अगर अखाद्य वस्तु आपने खा ली है तो आप भजन करके उसको भस्म कर सकते हैं। नाम का ऐसा प्रभाव है कि अगर आपने कोई ऐसा वस्तु खा लिया है जो नहीं खाना चाहिए तो उसको भस्म किया जा सकता है, वह मंत्र के द्वारा। ध्रुव जी महाराज जी को कहा कि तीन दिन में एक बार कैंत या बेर खाना है और तीन दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। आप लोग कहते हैं ना महाराज जी व्रत नहीं रह पाएंगे। जिस दिन कहा गया था यजमान बनने के लिए ना, तो कहते थे महाराज जी आप कह दीजिए हम भोजन करके, क्योंकि सुबह से हम लोगों को भोजन करना पड़ता है। भैया भोजन करो या व्रत करो, इससे भगवत प्राप्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, व्रत क्यों किया जाता है इसका भी तो जानकारी होना चाहिए। व्रत करने से शरीर शुद्ध होता है, केवल शरीर शुद्ध होता है व्रत करने से। शरीर की शुद्धिकरण व्रत के द्वारा होती है और मन की शुद्धिकरण मंत्र जप के द्वारा होता है। तो आप व्रत तो करते हैं खूब। अब व्रत कैसा करते हैं पता है? एकादशी आ रही है, 10 तारीख को एकादशी है, 10 को है ना, तो एकादशी के 2-3 दिन पहले से खोवा बनाना शुरू कर देंगे। एकादशी आ रही है और कहो बर्फी बनावे, पेड़ा बनावे, रबड़ी बनावे। और फिर एकादशी के दिन एकादश बार भोज फलहार करेंगे। एकादशी है ना 11 से, तो 11 बार फलहार करेंगे तब तो एकादशी कहलाएगी। भजन एक बार भी नहीं करेंगे, भजन बिल्कुल नहीं करेंगे और दिन भर फलहार करेंगे। ये रबड़ी महाराज, कहीं एक हलवा है गाजर का हलवा है और कहीं सिंघाड़े के आटे का बढ़िया घी से चक का हलवा है, कहीं साबूदाना की खीर बनी होगी। तमाम प्रकार से भैया व्रत करने से केवल शरीर शुद्ध होता है। शरीर हल्का होगा, कम थोड़ा सा खाओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा खा लो। ज्यादा भोजन करोगे, फलाहार करोगे तो भी वो आलस उत्पन्न करेगा। भाई पेट भर जाएगा तो फिर तो आलस आएगा ही आएगा, फिर या तो सो जाएंगे या फिर आप कहीं खो जाएंगे, भजन नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आहार करना चाहिए और भजन करना चाहिए। भजन करने से मन शुद्ध होता है। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी क्रिया शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि क्रिया तो मन से ही होती है। मन से विचार शुद्ध होंगे, विचार से क्रिया शुद्ध होगी और क्रिया से उसका फल भी शुद्ध होगा। तो मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। महाराज ध्रुव जी महाराज जी ने जैसा गुरुदेव ने कहा था बिल्कुल वैसा ही उनके आज्ञा के अनुरूप व्रत किया, मंत्र का जप किया और 1 महीना व्यतीत हुआ तो गुरु जी फिर पहुंचे नारद बाबा। शिष्य पर गुरु की बराबर दृष्टि होती है। ये मत सोचना कि गुरुदेव आपको जानते नहीं है। गुरुदेव की शिष्य पर बराबर दृष्टि होती है। जैसे परमात्मा अंतर्यामी होते हैं ना, वैसे शिष्य के लिए गुरु भी अंतर्यामी होते हैं। ऐसा मत सोचना चाहिए।
वो सब जानते हैं, भावनाओं को पढ़ लेते हैं, विचारों को पढ़ लेते हैं। कभी भी कहा भी गया ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, तो क्या होगा? या होए निर्धन या होए कोड़ी। इसलिए कभी भी भगवान से और गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। कपट तो किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन इनसे कभी भी अपनी दिल की बात भी छिपाना नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज जी ने अपनी दिल की बात बताई, गुरुदेव अभी गोविंद नहीं मिले, अगर भजन करते हैं और भगवान नहीं मिलते हैं, दुख मिलता है, तो आप हताश मत होइए, दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कि हम ये शुभ कर्म कर रहे हैं, ये मंगल कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जो पाप है ना, उन पापों का क्षय हो रहा है। जब तक कचरा साफ नहीं होगा, तब तक बैठने लायक होगा क्या? आपका पात्र गंदा हो, उसमें आप कोई अच्छी वस्तु रखेंगे तो क्या सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। पहले पात्र को साफ करना है। अब पात्र कितना गंदा है, भजन करिए तो वह मन रूपी पात्र साफ हो जाएगा। अब ज्यादा गंदा होगा तो ज्यादा भजन करना पड़ेगा, ज्यादा वजन करेंगे तब फिर वो साफ हो गया आपका मन का पात्र। और जब मन का पात्र साफ हो जाएगा, फिर उसमें परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज जी से नारद जी ने कहा, बेटा व्रत और करो, क्या करें? बोले अब छह दिन में एक बार केवल ये वृक्षों की पत्तियां खाया करो और कुछ नहीं खाना है, केवल मंत्र का जप करना। गुरु जी ने ऐसा किया, दूसरा महीना व्यतीत तो हो गया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। फिर नारद जी आए, नारद जी से कहा, गुरुदेव अब तो शरीर में ताकत ही नहीं बची है। नारद जी ने कहा, गुरु जी इस शरीर में ताकत नहीं बची है तो ताकत का करोगे क्या, बताओ पहले? जरूरत क्या है ताकत की? भजन करना बस इतना ही तो है। ज्यादा ताकत होगी तो संसार के विषयों की ओर मन जाएगा, और ताकत नहीं होगी तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा। इसलिए ध्रुव जी अब आप ये पत्तियां खाना भी छोड़ दो। अब तो 9 दिन के बाद एक बार केवल जल पीना है। गुरुजन शिष्य के पापों का प्रक्षालन करते हैं। अगर गुरु के अनुसार शिष्य जी जाए तो निश्चित है भगवत प्राप्ति हो जाएगा। वह शिष्य के पापों का प्रक्षालन करते हैं। अब ध्रुव जी सोचने लगते हैं कि बताइए 9 दिन में एक बार जल पीना, अरे होरी में गई तपस्या, चलो घर अपने, जहां दिन में 6 बार 8 बार भोजन करने वाले, वह 9 दिन में एक बार जल पीना है। लेकिन नहीं, ध्रुव जी गुरु आज्ञा में ऐसे डट गए, बोले गुरुदेव ये शरीर तो नाशवान है, इसका तो नाश होना ही है। अगर इसी शरीर से तपस्या करके और अगर परमात्मा मिल गए तो गुरुदेव बहुत सौदा सस्ता है। मतलब सर दीने, और अगर सर देने के बाद भी परमात्मा मिल जाए तो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा बहुत शीघ्र हो गई है। ध्रुव जी महाराज जी को नारद जी ने कहा जल पीना भी बंद करो, 12 दिन के बाद केवल वायु का पान करो, वायु पियो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है गुरु जी, 12 दिन के बाद एक बार वायु पीते ध्रुव जी, और वह सांस को रोक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीना व्यतीत हो गए, तब भी भगवान नहीं मिले। नारद जी आए, क्यों? चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी, बोले गुरुदेव लगता है शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिले।
नारद जी को करुणा आई और नारद जी ने कहा, ध्रुव जी अब तुम वायु का भी पीना बंद कर दो। और ध्रुव जी ने जैसे वायु को निकाला, अंदर लिया ही नहीं, ध्रुव जी महाराज जी ने जैसे वायु को रोका, वैसे सारे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। सारी जीवात्माएं तड़पने लगी, सबके प्राण निकलने लगे, समस्त लोकों में हाहाकार मच गया, क्या हो रहा है। तब नारद जी ने देवताओं से कहा, मेरा शिष्य ध्रुव तपस्या कर रहा है। देवताओं ने कहा, प्रभु तपस्या क्यों कर रहा है? बोले, बस एकमात्र नारायण की प्राप्ति के लिए। सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु शीघ्र ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो केवल ध्रुव ही अकेले बचेंगे, संसार में कोई नहीं बचेगा। महाराज उसी समय समस्त देवताओं के साथ भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। ध्रुव जी के समक्ष भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी आंख बंद किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। महाराज जैसे ही भगवान ने अपना बरद हस्त ध्रुव जी के मस्तक पे रखा, ध्रुव जी के नेत्र खुले, साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई पुष्प की वृष्टि कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। ध्रुव जी महाराज जी देख रहे हैं कि मेरे सामने मेरे गुरुदेव खड़े हैं और एक तरफ गोविंद खड़े हैं, प्रणाम किसको करूं? तो सबसे प्रथम नारद ध्रुव जी ने नारद बाबा को प्रणाम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो लखा। नारद जी के चरणों में ध्रुव जी गिर पड़े और फिर भगवान नारायण को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने भगवान नारायण ने ध्रुव जी को उठाया, हृदय से लगाया। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहे, गला गदगद हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर पुलकित हो गया, रोमावली खड़ी हो गई, भाव में इतने बावरे हो गए ध्रुव जी, कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। तब भगवान ने अपना पांच जन्य संख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया और जैसे ही वो पांच सन्य संख वेदश स्वरूप संख ध्रुव जी के और कपोल से स्पर्श हुआ, वैसे ध्रुव जी के कंठ से दिव्य वेद वाणी निकल पड़ी। भगवान की स्तुति करी और भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, ध्रुव जी मांग लो, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। बस प्रभु अब मन में कोई वासना नहीं है, कोई चाहे नहीं है, अब तो केवल आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं, बस यही चाहे। भगवान बोले, नहीं ध्रुव जी, आपके मन में वासना थी, आपकी छोटी माने आपका तिरस्कार किया, आपको बैराग हुआ, इसलिए ध्रुव जी आपको राज गद्दी मिलेगी और राज सिंहासन पर बैठ करके तुम 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगोगे, इसके बाद तुम्हें प्रबल वैराग होगा, तुम बद्रिकाश्रम जाके तपस्या करोगे और तुम्हें हम वह लोक प्रदान करेंगे, ध्रुव लोक, जिस लोक का कल्प में भी कभी प्रलय नहीं होता, कभी प्रलय में भी प्रलय नहीं। और ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया, जाओ ध्रुव। नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को
सूचना दी, आपका पुत्र भगवत प्राप्ति कर चुका है। महाराज उत्तान पाद दिव्य रथ लेकर के आए, गुरु जी को रथ पर बैठा करके गाजे बाजे के साथ नगर में ले गए। सारे नगर में उत्सव मनाया गया और गुरु जी को छोटे से नन्हे से गुरु जी को राज सिंहासन पर बैठाया, उसका राज तिलक किया। महाराज उत्तान पाद वानप्रस्थ जीवन को धारण कर लिए। अब गुरु जी का विवाह हुआ, उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज जी को बहुत काल व्यतीत हो गए। एक दिन उत्तम अपने घोड़े पर सवार होकर के यक्षों की नगरी में गया और वहां जाकर के यक्षों ने देखा कि ये तो उत्तम है और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी ने यक्षों का वध किया। फिर महाराज मनु ने ध्रुव जी को समझाया और ध्रुव जी ने युद्ध विराम किया। फिर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया। 36,000 वर्ष के बाद में गुरु जी बद्र का आश्रम गए, वहां कठोर तपस्या करी और भगवान का परम प्रिय भक्त ध्रुव जी ध्रुव लोक को प्राप्त भए। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करो। करो तो अभी न कर दो, कृपा लो तब तुम कृपा करोगे। अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी दया न होगी तो नाथ मेरी गुजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी। अपराध दया कर।
कबर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा दे तुम्हारा कब तक, सहारा दे तुम्हारा कब तक, सहारा दे Oh,
सभी भक्तों ने हाथ उठा दिया। राधा राधा
सबकी प्यारी श्री राधा, सबकी प्यारी श्री राधा, ब्रज खान दुलारी श्री राधा, प्यार प्यारी श्री राधा, पर महाराज जी के वंश में महाराज अंग हुए, अंग के बेन हुए और बेन के ही शरीर के द्वारा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ प्रथु और अर्च के रूप में। देखिए राधा शब्द ध्यान से सुनिए, राधा शब्द किसी वेद में नहीं आया है, राधा शब्द किसी पुराण में नहीं आया है, राधा शब्द किसी शास्त्र में नहीं आया है, राधा शब्द केवल केवल कृष्ण के हृदय में व्याप्त है। जहां राधा शब्द का उच्चारण होता है, श्याम सुंदर वहां नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण को राधा नाम बहुत प्रिय है। आप ये मत सोचिए कि राधा कृष्ण की पत्नी है, राधा कृष्ण की अधिष्ठात्री है, राधा की उपासना कृष्ण करते हैं, सारे वेद शास्त्र उपनिषद कृष्ण की उपासना करते हैं, उस ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन ब्रज में श्याम सुंदर कृष्ण राधा की उपासना करते हैं। राधा चरणों की सेवा श्याम सुंदर स्वयं करते हैं, राधा चरणों की धूल को श्याम सुंदर माथे पे लगाते हैं, राधा कोई और नहीं है। आनंद के समुद्र में से जो प्रेम तत्व प्रकट हुआ वह राधा है। श्याम सुंदर आनंद के सागर है और उस आनंद सागर का तत्व स्वरूप जो सार है वह राधा है। इसलिए जहां राधा शब्द का उच्चारण होता है श्याम सुंदर वहां नृत्य करते हैं। जिसके मुख से राधा शब्द निकल जाता है श्याम सुंदर कृष्ण उसकी रीढ़ी हो जाती है। इसलिए राधा का तो नाम ही, राधा कभी बोलती नहीं है, राधा कभी कुछ कहती नहीं है, केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही सारा चमत्कार होता है। श्याम सुंदर अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, राधा जिधर निहार देती हैं श्याम सुंदर दौड़ करके उस पर कृपा करते हैं, राधा जिधर देखती हैं, जैसे प्रधानमंत्री है ना, थोड़ा देख देवे किसी तरफ पूरी फोर्स पूरी व्यवस्था उस तरफ लग जाती है, ऐसे राधा जिस तरफ निहार देती हैं तो श्याम सुंदर की पूरी व्यवस्था उसमें लग जाती है। हमारी किशोरी जी को कोई दुख ना हो, वह राधा है। बोलिए राधा रानी की जय। महाराज प्रथु का प्राकट हुआ और प्रथु ने पुनः धर्म की स्थापना की।
उत्तान पाद के बाद प्रियव्रत के वंश का वर्णन कहा गया है। प्रियव्रत महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन प्रियव्रत का विवाह बाद में हुआ और इनके प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रेरमत यत मूलम कर्म बंधा पराभवा। आप कृपा करके बताइए, प्रियव्रत आत्मा राम थे। आत्मा राम का मतलब होता जो आत्मा में रमण कर रहे थे। हम आप विषयों में रमण कर रहे हैं, हम कभी आत्मा का निरीक्षण करते हैं क्या? हम अपने आप को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे उस दिन संसार से पूर्णतः वैराग्य हो जाएगा। अनंत जन्मों से विषयों को भोगते चले आ रहे हैं और उन्हीं विषयों में रम गए हैं, बस विषय को ही अपना धन और सर्वस्व मान बैठे हैं। ये विषय तो महाराज माया का खेल है। ये माया ने हमारे सामने ऐसे ऐसे विषय के खिलौने परोस दिए हैं कि हम उसी में रम गए हैं। परमात्मा की गोद में बैठने के लिए इन माया के खिलौनों से वैराग्य होना चाहिए। केवल हमें प्रभु चाहिए। जैसे माँ का पुत्र होता है ना, रोता है तो माँ उसको एक गुनगुना पकड़ा देती, खिलौना। अनेक प्रकार के खिलौने छोड़ देती है, वह बालक उन खिलौनों में रम जाता है। तो माँ काम धाम करने लगती, इसको तो खिलौने चाहिए थे, खिलौने मिल गए, बात खत्म। और अगर वह बालक खिलौनों को प्राप्त करके भी रोता है तब फिर माँ जानती है कि अब इसको खिलौने से नहीं, इसको तो हमारी आवश्यकता है। तब फिर वो माँ अपने स्नेह रूपी स्तन से प्रेम रूपी दुग्ध का पान कराती है। ऐसे ही हम आप परमात्मा ने ये संसार के माया के खिलौने परोसे हैं और हम इसमें रम गए हैं, तो परमात्मा ने सोचा कि इनको तो यही विषय चाहिए थे, मिल गए। लेकिन हम इन संसार के सुख वैभव को प्राप्त करके भी उस परमात्मा के लिए जब रोते हैं, तड़पते हैं, तो फिर वो परमात्मा आकर के हमें अपने गोद में ले लेता है और अपना स्नेह रूपी स्तन हमारे मुख में दे देता है। इस संसार का वैभव प्राप्त करके कभी ये मत सोचना कि यही हमारी आवश्यकता है। ये हमारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो हमारी परमात्मा की प्राप्ति है। प्रियव्रत जी ने विवाह किया और प्रियव्रत के वंश में महाराज आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के ऋषभ देव जी हुए, भगवान साक्षात ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान जय हो। और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों को ऋषभ देव जी ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है। आजकल बच्चों से पूछा जाता है ना, तुम क्या पढ़ोगे? कोई कहता है हाँ मैथ पढ़ेंगे, कोई कहता है कंप्यूटर पढ़ेंगे, कोई कहता है हम क्या, अपने अपना इच्छा बताते। कोई सीए करेगा, कोई बीए करेगा, कोई एमए करेगा। हम लोग डबल बीए करके बैठे, डबल बीए मतलब बाबा। डबल बीए होता है क्या? किसी विद्यालय में डबल बीए नहीं होता है, लेकिन हमारी पढ़ाई डबल बीए की है।
सबकी इच्छा होती है। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज जी ने अपने पुत्रों से पूछा, बताओ। नौ पुत्रों ने कहा, हम तो भगवान की साधना भजन करेंगे, साधु बनेंगे, विरक्त महात्मा बनेंगे, वो सिद्धेश्वर हो गए। 81 पुत्रों ने कहा कि हम तो कर्मकांड को सीखेंगे, वो कर्मकांड को जानने वाले पंडित हो गए। 9 पुत्रों को श्री ऋषभदेव जी महाराज जी ने, जो पृथ्वी के 9 खंड हो गए थे ना, ये पृथ्वी के 9 खंड कैसे हुए हैं? जो प्रियव्रत महाराज हुए ना, प्रियव्रत की तपस्या इतनी बड़ी प्रकाशित हो गई कि महाराज प्रियव्रत की तपस्या से पृथ्वी में अंधकार ही नहीं होता। जाए न कहीं का रथ जाता था, वहां पर अंधकार नहीं रहता। तो सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते थे और ऋषभदेव जी रथ को लेके निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे दिन हो गया हो, तो देवता लोग भ्रम में पड़ जाते। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये बड़ी समस्या है। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, पुत्र आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, लेकिन ऐसा कार्य मत करो जो शास्त्र के विधान का खंडन करे। शास्त्र हमारी मर्यादा है, शास्त्र हमें शतमार्ग की ओर प्रेरित करता है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज ऋषभदेव जी प्रियव्रत जी ने अपने रथ को जब चलाया था ना, तो पृथ्वी के 9 टुकड़े हो गए। तो ऋषभदेव जी ने अपने 9 पुत्रों को एक एक टुकड़े का राजा बनाया। जो भरत नाम का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, उसको इस टुकड़े का राजा बनाया। इसका नाम था अजनाब देश। लेकिन जब ऋषभदेव जी के पुत्र भरत यहाँ के राजा हुए तो इसका नाम हो गया भारत देश। ऋषभदेव जी ने सभी पुत्रों को बैठाया और बैठा करके सबको ज्ञान का उपदेश दिया कि हे पुत्रों, आप ऐसा मानो कि हम देह हैं, देह नहीं है, तुम विशुद्ध आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो और यहाँ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हुए हो। ज्ञान दिया और कहा भी गया है कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यात् नमो च एद्या समुपेति मृत्युम्। गुरु न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को परमात्मा से न मिलाए। अपने शिष्य को ज्ञान का उपदेश दे करके भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करे वह गुरु है। और जो केवल केवल दामोदर भगवान के लिए, एक जगह यहाँ कोई हमारे कथा में अगर कोई यादव भाई कथा सुन रहे हो तो बुरा मत मानना। एक यादव जी थे, उन्होंने गुरु बनाया, भक्ति बहुत थी, गुरु भक्ति, बड़े गुरु निष्ठ थे और कहते कि गुरु जी आप दर्शन दिया करिए हमें। गुरु जी ने कहा ठीक है, हम पूर्णिमा के दिन आया करेंगे, पूर्णिमा के दिन। तो बेचारा वो गुरु भक्त था, गुरु जी आवे तो बढ़िया धोती कुर्ता और दक्षिणा इत्यादि सामग्री खूब दे रहे, और गुरु जी अपना बांधे कोठरी चले जाए। तो जो
उसकी पत्नी थी अहिरेन, उसको लगा बुरा कि देखो ये अच्छे महात्मा जी हैं, गुरु जी आते हैं बस बांध के ले जाते हैं, और हमारे पतिदेव इतने गुरुनिष्ठ हैं कि ये कुछ सोचते भी नहीं है। उसने अपना एक दिमाग लगाया, बोले अब हम देखते हैं गुरु जी कैसे आते हैं। पूर्णिमा आने वाली थी, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को भी जरूरत पड़े तो इसका। तो महाराज पूर्णिमा आने वाली थी और इस बिचारी ने विचार किया कि देखिए सुंदर धोती कुर्ता बनियान तौलिया गमछा सब चीजें लेकर के रख लिए कि पूर्णिमा के दिन गुरुजी आएंगे। और गुरुजी से पूछते थे चेला कि गुरुजी आपको क्या चाहिए, वही देते। जिस दिन पूर्णिमा थी उस दिन प्रातः काल इस बेचारी ने अपने पतिदेव से कहा कि आप छिंदवाड़ा चले जाइए। तो बोले क्यों चले जाएं, गुरुजी आने वाले हैं। बोले गुरुजी आने वाले हैं तो मैं उनको बैठाऊंगी, प्रेम से सेवा करूंगी, आप चले जाइए और ये सामान ले आइए। महाराज बेचारा वो चला गया। बोले देखो गुरुजी आवे तो उन्हें रोक के रखना, जाने मत देना। बोले हाँ हाँ आप जाइए। बेचारे वो चले गए सामान लेने। इतने में गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आए तो बड़े सुंदर आसन में बैठाया देवी ने, अब बैठा करके और बड़े उदास होकर के कहा महाराज जी बड़ी समस्या हो गई है। बोले क्या हो गई है। बोले आपका चेला पागल हो गया है। बोले पागल हो गया है, अभी तक तो अच्छा था, पिछले पूर्णिमा में आए थे। बोले महाराज अभी अभी पागल हुआ है और बस उसके मन में एक ही बात घुसी है, क्या कि गुरुजी मिल जाएं तो रस्सी से बांध के मूसर से मारेंगे, मूसर से कुचरेंगे। गुरुजी बोले तो कहाँ गया। बोले छिंदवाड़ा गया है, बस आने ही वाले हैं गुरुजी। गुरुजी बोले अच्छा है, हम अगली पूर्णिमा को आएंगे, अभी जाने दीजिए हमें। बोले नहीं गुरुजी अब आने वाला है चेला को दर्शन। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बाद में देंगे दर्शन। अब गुरुजी ने उठाया अपना थैला, भगे ये चेला है पागल, पागल का क्या भरोसा। महाराज वो चले गए, इतने में पीछे पीछे वो चेला आ गया। अब उसको तो लगन थी कि गुरुजी आए लौट जाए, पता नहीं पत्नी सेवा करे ना करे। आए तुरंत पूछा क्यों गुरुजी आए थे। बोले हाँ आए थे। बोले तो सेवा नहीं किया आपने, रोका नहीं। बोले मैं तो खूब रोकती रही लेकिन वो माने नहीं। बोले हमको एक मूसर चाहिए और एक रस्सी चाहिए। तो मैंने कहा चेला आ जाए तो वही देंगे, हम गुरुजी कैसे दे दें। तो गुरुजी चले गए। अब वो रस्सी मूसर मांग रहे थे तो हमने नहीं दिया। अरे बोले लाओ रस्सी लाओ मूसर लाओ, हम गुरुजी के यहाँ भी देख लिया। अब उसने रस्सी और मूसर दे दिया। अब एक हाथ में रस्सी लिए एक हाथ में मूसर लिए भगा। अब जैसे गांव के बाहर निकला गुरुजी दिखे और गुरुजी ऐसे कर गुरुजी गुरुजी खड़े रहिए। अब वो गुरुजी ने मुड़ के देखा कि ये तो आ गया रस्सी मूसर। अब ये बांधेगा कुचरेगा हमें तो गुरुजी और भाई। अब पीछे पीछे चला आया गया आगे गुरुजी। जैसे कैसे हुआ अर तो खाया पिया अर था महाराज, छेक लिया गुरुजी को। गुरुजी बोले भैया हमको छोड़ दे, आज के बाद नहीं आएंगे। अरे बोले गुरुजी क्या बात हो गई, आपने रस्सी और मूसर मांगा था तो मैं लेके आया। अरे बोले आपकी पत्नी कह रही थी पागल हो गए। उस दिन से कहा भैया आज के बाद तुम ही आया करो हमारे पास, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो भैया चेला ऐसी भी सेवा करते हैं।
क्या हो गया? रस्सी मूसड़ तो नहीं मंगा रहे? ऋषभ देव जी ने कहा गुरुर न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को ज्ञान के मार्ग में न चला करके परमात्मा न मिला दे। स्वजनों न सस्यात्, वह स्वजन हमारे नहीं है जो हमें भक्ति की ओर प्रेरित न करे। वह पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है जो हमें भगवत मार्ग की ओर प्रेरित न करे। ऋषभ देव जी ने कहा पुत्रो कर्म करो आप कुछ भी, लेकिन लक्ष्य अपना क्लियर रहना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है, ईश्वर प्राप्ति करना है। और ऋषभ देव जी परमहंस वृत्ति को धारण करके वन चले गए और वन में जाकर के वन में आग लग गई और उसी में अपने पंच भौतिक शरीर को जला करके समाप्त। समय आया और भरत जी को भी वैराग्य हुआ, वो तो नियम है। चौथे पन जाई नृप कानन, ऋषभ देव जी महाराज जी के जाने के बाद भरत जी को भी लगा कि मेरे पिताजी जिस मार्ग पे गए हैं तो मेरा भी धर्म बनता है, मैं भी उनके शरणानुगामी बन करके मैं भी उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। और भरत जी गंडकी नदी के तट पर पुलहास्त्रम में वन क्षेत्र है, वहीं पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए और देखा कि एक हिरण का छोटा सा बच्चा बहता हुआ जल में चला जा रहा है। दया लग गई, संत के हृदय में दया तो होती है। दया लगी, उस मृग छावना को लेकर के कुटिया में आए और उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और इतना प्यारा वह मृग भरत जी उससे इतना स्नेह करने लगे। और वो मृग पूरे आश्रम में दौड़ते दौड़ते कभी भरत जी की गोद में बैठ जावे, कभी भरत जी के पीठ में लग जावे, ऐसे प्यार करने लगा। भरत जी को उसकी आसक्ति हो गई। देखो आसक्ति कभी भी आसक्ति हाथी आसक्ति है, आसक्ति कहीं भी आसक्ति है। आसक्ति किसी को भी आसक्ति है, इसलिए आसक्ति से डरना चाहिए। आसक्ति अगर करना है तो हमारे ठाकुर जी से। संसार से आसक्ति करोगे तो रोना पड़ेगा। चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई जग साहन साए। जिसके मन से चाह समाप्त हो गई उसका मन फ्री हो गया। चाहे नहीं तो हमें रुलाया है। कभी पुत्र की चाय, कभी बहू की चाय, कभी पोता की चाय, कभी धन की चाय, कभी घर द्वार की चाय, कभी मोटर गाड़ी की चाय, कभी फैक्ट्री की चाय, माने अपनी जो चाय है उसी के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है। चाय की कभी पूर्ति नहीं होती। एक चाय को आप पूरा करोगे उसके पीछे लाइन लगी हुई है इच्छाओं। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार की अपनी इच्छा मत रखो, भगवान को समर्पित हो जाओ और जो भी हमें रूखा सूखा प्राप्त है बस उसी में संतोष करो। बहुत बड़ा बनने की कोशिश मत करो, बड़ा बनोगे तो समाज में आपकी खूब कीर्ति होगी लेकिन आध्यात्मिक पथ आपका कमजोर पड़ जाएगा। संसार की धन की वृद्धि होना,
तू कहाँ है? कि नाव में जैसे जल बढ़ता है और घर में अगर धन बढ़ गए तो कहते हैं दोनों हाथ उलीजिए यही सयानों का। दोनों हाथ से उलीजते हैं, नहीं उलीचेंगे तो डूब जाएंगे। धन ज्यादा हो जाएगा तो मद में डूब जाएंगे और जल ज्यादा हो जाएगा तो जल में डूब जाएंगे। नाव में जल ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएंगे और घर में धन ज्यादा हो जाएगा तो मद रूपी जल में डूब जाएंगे। अहंकार आपको लेके डुबा देगा, इसलिए दोनों को उलीझते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। भक्त को कभी चाय नहीं करना चाहिए। एक हमको दृष्टांत याद आ गया, सुना दे। एक पीपा जी थे, राजस्थान के राजा थे पहले, लेकिन बाद में राजपाट त्याग करके 20 रानियां थी उनकी, सबसे छोटी का नाम था सीता सहचरी। वैराग्य ले लिया था, द्वारका पुरी गए और द्वारका नाथ से इतना स्नेह कि द्वारका नाथ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करने लगे कि उनके मिलने के लिए समुद्र में कूद गए दोनों प्राणी। और इनके प्रेम से भगवान प्रसन्न होकर के इनको द्वारकापुरी ले गए, जो जल में मग्न हो गए। 7 दिन तक द्वारकापुरी में रखे और फिर इनको शंख चक्र भगवान ने दिया। शंख चक्र दे करके भेजा तो ये समस्त द्वारका वासियों ने जब देखा तो इनकी पूजा करने लगे कि आप तो द्वारकाधीश के परम प्यारे हैं। घूमते हुए ये एक ऐसे स्थान में गए जहां पर एक भक्त भक्तानी रहते थे, चीधर नाम था, चीधर और चीधरानी। चीधर नाम था उसका, तो उसकी पत्नी को भी लोग चीधरानी कहते थे, नाम जो भी। इतने त्यागी थे, रात दिन भजन में लगे रहते थे दोनों प्राणी। संत सेवा और भजन, बस यही उद्देश्य था इनका। रात दिन केवल भजन करना, संत सेवा करना। और संत सेवा भी बड़ी उदार भाव से, भोजन नहीं करते थे। अगर संत नहीं आते थे, संत को खिलाने के बाद ही ये भोजन करते। किसी दिन संत नहीं आते तो बेचारे भूखे प्यासे रहते। संत आ जाए, उन्हें खिलावे और खिलाने के बाद फिर ये दोनों प्राणी भोजन करते। भक्ति बहुत थी। पीपा जी अपनी सीता सहचरी के साथ इनके यहां पहुंच गए। इनकी कुटिया भी बड़ी विचित्र थी। कुटिया तो थी लेकिन दरवाजे नहीं थे, ना कोई खिड़की थी, कुछ था ही नहीं घर में। चोर का कोई भय नहीं था। पीपा जी जब पहुंचे तो चीधर और चीधरानी को बहुत खुशी हुई कि हमारे यहां पीपा जी आए हैं। चीधर जी ने पीपा जी और सीता सहचरी का बड़ा स्वागत किया, बैठाया जैसी अपनी व्यवस्था थी, और अंदर अपनी पत्नी के पास गए, चीधरानी के पास जाकर के कहा, देवी हमारे यहाँ ऐसे विशुद्ध संत आए हैं जो द्वारकाधीश का दर्शन किया है जिन्होंने, और हमारे पास कुछ नहीं है सामग्री, सेवा कैसे करें? चीधरानी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा ये जो लहंगा है ना, लहंगा जाकर के बेच दो। चीधर ने कहा, तो तुम क्या पहनोगी? बोले, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, हम अंदर ही रहेंगे, और आप ये लहंगा बेच करके जो भी भोजन सामग्री हो उससे इनकी सेवा करो।
उसके त्याग को देखा श्रीधर जी ने, उस लहंगा को, उसके वस्त्र को लिया, बाजार में बेचा और बेच करके उससे सामग्री ला करके पीपाजी की सेवा करी। जब भोजन तैयार हो गया तो पीपाजी ने कहा, अरे भैया भगत राज चीदर, तुम अपनी पत्नी चीदरानी को लाओ, साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। चीदर जी ने कहा, महाराज आप भोजन कर लीजिए, बाद में हम लोग आपका उच्छिष्ट पाएंगे। नहीं नहीं, आप तो चीदरानी को लेकर के आओ, साथ में पंगत करेंगे। अब वो कैसे लेके आओ, बेचारे चीधर जी सर झुका के मौन हो गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, देवी जाओ अंदर जाकर के देवी से कहो कि चलो भोजन करना है। और जब वह सीता सहचरी अंदर गई और अंदर जाकर के उस दृश्य को देखा, देखते ही रही, अरे तुम्हारे शरीर में वस्त्र भी नहीं है, उसे चीदरानी ने कहा, मैंने आपका नाम सुना और मुझे यह भी पता था कि आप द्वारकाधीश का दर्शन करके लौट रही हैं, और आपसे जब मैं मिलूंगी तो आप द्वारकाधीश के पावन गुणानुवाद को सुनाएंगी, कुछ भगवत चर्चा सुनाएंगी, लेकिन आपकी दृष्टि तो ये पंचभौतिक शरीर पर है, ये शरीर तो नंगा ही आया है, नंगा ही जाएगा, इसको देखने से क्या फर्क पड़ता है, इसमें वस्त्र हो या ना हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तब सीता सहचरी चरणों में गिर पड़ी, देवी हम तो भगवान का दर्शन करके आए हैं, लेकिन आपके जैसा विवेक को प्राप्त नहीं किया हमने, धन्य हैं आप। जाके पीपा जी को बताया कि ऐसी ऐसी दशा में हैं, उन्होंने अपना वस्त्र बेच करके हमारी सेवा की है। पीपा जी बहुत रोए और कहा, देवी हमारी इन्होंने सेवा की है तो हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। और पीपा जी सीता सहचरी के साथ में लेके बाजार में नाचे, नाच करके धन अर्जन किया और फिर उन दोनों प्राणियों की सेवा करी। तो संत का हृदय ऐसा होता है, भक्त का हृदय ऐसा होता है, जो कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान की भक्ति चाहता है, वो कहता है प्रभु मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन आप अपनी भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। और हम आप ऐसे हैं कि आप प्रभु हमें सब कुछ दे दीजिए, चाहे हमारा भक्ति भक्ति सब ले लीजिए। हम लोग ऐसे भैया खूब भजन करना चाहिए। महाराज भरत जी की आसक्ति मृग के शावक पर हो गई और एक दिन वह समय आया जो सभी के जीवन में आता है, मृत्यु का समय। और मृत्यु के समय भरत जी उस हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किए और मृग योनि में चले गए, मृग बन गए। जिसका स्मरण करोगे आप उसी योनि में जाओगे। जीवन भर आपने भजन किया है, अंतिम समय अगर आपने धन का, जमीन का, या किसी व्यक्ति का, या किसी वस्तु का स्मरण करते हुए तन का त्याग किया, तो निश्चित है कि आप उसके लिए पुनर्जन्म धारण करोगे। भरत जी हिरण योनि में गए, लेकिन वहां पर भी इनका विवेक जागृत था, मन से भगवान का स्मरण करते थे, हिरण योनि से मुक्त हुए और एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ भरत जी का। वहां पर ये जड़ भरत के रूप में जाने गए, रात दिन भगवान का स्मरण करते और बस यही कहते, प्रभु तुम मिल जाओ, कब मिलोगे, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है,
याद आती है, क्या करे वो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे बताओ क्या करे
कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, ये जब चाहेगी तुम आओ, ये जब चाहेगी तुम हम आपको भी तड़पना पड़ेगा। प्रेम करना है तो परमात्मा से करिए, और सेवा करनी है तो संसार की करिए। सेवा करना है तो जीव मात्र की सेवा करिए, और प्रेम करना है तो परमात्मा से। हम आप उल्टा करते हैं, सेवा भगवान की करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, प्रेम परमात्मा से और सेवा संसार की। संसार प्रेम करने के लिए नहीं है। अच्छा, प्रेम एक से होता है कि हजार से होता है? एक से ही होता है ना। हम सबसे प्रेम करके बैठे, पिताजी से प्रेम, पत्नी से प्रेम, भाई से प्रेम, बेटा से प्रेम, पुत्री से प्रेम, मित्र से प्रेम, सबसे इतना प्रेम है तुम्हारे पास। सब झूठा है, ये केवल स्वार्थ का प्रेम है, अपने मतलब का प्रेम है। प्रेम किसी से नहीं करते हैं आप। अगर प्रेम करते होते तो अगर किसी दिन दाल में नमक कम पड़ जाता है तो पत्नी को डांटते क्यों हैं? अगर किसी दिन रोटी जल जाती है तो कहते हैं भावरी कहीं की पागल रोटी जला देती है? अरे भैया, प्रेम के ये शब्द हैं क्या? गाली देते हैं, मारते हैं बहुत से लोग। प्रेम ये नहीं, ये तो केवल स्वार्थ है। आपका मतलब सिद्ध हो रहा है, इसलिए आप दिखावा करते हैं। प्रेम वास्तविक में केवल परमात्मा से होता है और किसी से नहीं। और हमें भी ऐसे ही चाहिए, गोविंद से प्रेम करें और संसार की सेवा। मतलब बिगड़ गया अगर तो तुरंत नाराज हो गए। अगर पुत्र कमा के ना देवे ना तो बाप और माँ कह देते हैं दुष्ट कहीं के नालायक, निकल जा घर से, तेरा इस घर में कुछ नहीं है। कल के दिन लिए प्यार कर रहे थे, कहाँ गया वो प्यार? भैया, ये सब प्यार दिखावा है। केवल अपने मतलब से प्रेम किया जाता है, प्रेम तो परमात्मा से ही करना है। भरत जी जानते थे
ना उन्हें भाई से मोहे, ना पिता से मोहे, ना माँ से मोहे, ना किसी संसार के पदार्थ से मोहे, बस पड़े हैं अजगर व्रति को धारण करने। वृक्ष के नीचे पड़े हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उसकी गरज होगी तो खिलाएगा और नहीं तो पड़े हैं। जब भगवान का भजन करता है ना भक्त, तो जंगल में भी रहेगा तो वहां भी मंगल हो जाएगा। और हम अच्छे सारे भोग सामग्री में रहेंगे लेकिन हो जाएगी डायबिटीज, तो रसगुल्ला देखते रह जाएंगे। शुगर हो जाए और खूब छेना के रसगुल्ला सामने रखे हों और खूब कहें भैया एक दो तो खाई लो कम से कम, तो आप देखेंगे नहीं, जहर के समान देखेंगे। क्यों? परमात्मा का भजन करोगे ना तुम्हें डायबिटीज होगा, कोई भी रोग नहीं होगा भैया, मस्ती से जियोगे। और नहीं तो आपको पग पग पर ठोकर मिलेगी। संसार तो ठोकर मारने के लिए है, सबको ठुकराया है संसार ने, किसी को नहीं छोड़ा। जो बेटा बेटा जिसको कहते हैं ना, ये जब आग लगाते हैं ना पिताजी को, तो खोपड़ी में बांस मारता है बेटा, बिना बांस मारे उसकी मुक्ति नहीं होती। कहते खोपड़ी में बांस मारो तो इसका जो बंधन है ना संसार से, वह टूट जाएगा। मरने के बाद मारा तो क्या मारा, जिंदा में मारो तो पता चले। बेटा को पहली बात तो पिता को चाहिए कि चौथापन आ जाए तो बेटा को मालिक बना देना चाहिए और भजन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है पिता, तो पुत्र को चाहिए कि पिताजी के हाथ से मालिकाना छीन करके और कहे कि लो भजन करो। और नहीं अगर ऐसा करेंगे तो फिर पिताजी रोते हैं और सबसे कहते हैं महाराज बेटा तो बड़ा खतरनाक है, हमने सोचा था कि सेवा करेगा, वो तो डांट लाठी मारता है। तो भैया तुम समय से क्यों नहीं उनको सब दे दिए, गलती अपनी है। सरकार भी हमारी, हमारे देश की सरकार जो है ना गवर्नमेंट, वह भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, केवल भजन करना है तुम्हें, केवल बैठ गए। और फिर भी रिटायर होने के बाद भी घर में घुसे रहे, ले भजन कुछ नहीं महाराज, भजन करो कुछ नहीं करना है, केवल भजन। अब बेटा करें जो करें वो उनका अपना काम है, तुम तो केवल भजन करो। भजन करना नहीं है तो भैया वो तो कष्ट तो होगा ही होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भरत जी को भील लोग ले गए माँ काली के सामने बलि देने के लिए। भरत जी चले गए, मरने से क्या डरना, अगर हमारे मरने से किसी को सुख मिल रहा है बिल्कुल मरेंगे। परोपकार के लिए व्यक्ति अगर अपने प्राण भी दे दे तो समझ लो उसको मोक्ष मिलेगा। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, कहीं सुना दे। तो महाराज महात्मा जी के मुख से निकल गया कि भैया कोई कितना भी बड़ा पापी हो हमारे पास आवे, हम उसको मंत्र बताएंगे, वो पाप मुक्त हो जाएगा। तो सब लोग आए, बोले महाराज जी हमें। उसी में से एक महाराज गंवार व्यक्ति, मोटा ताजा, अब एक मोटा डंडा लिए बैठा था, वह भी आया, बोले महाराज जी हमें भी बताइए। अब महाराज जी घबराए, इसको क्या बताए। बोले तुमने क्या पाप किया है। बोले हमने 70 मर्डर किए हैं, 70 हत्याएं करी हैं। अरे महात्मा जी सोचे कि 71वां नंबर हमरे ही ना लगा दे, और इसका क्या भरोसा है, बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, एक डंडा दिया, सूखा सूखा लकड़ी का डंडा दिया और कहा लो इस डंडे को लेकर के तीर्थों में भ्रमण करो। तीर्थों में जब भ्रमण करोगे, जब ये डंडा सूखा डंडा हरा हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे पाप सब नष्ट हो गए।
बोले ठीक है महाराज। अब महात्मा जी तो कथा कह के चले गए वृंदावन, पता बता गए कि हम वृंदावन में रहते हैं फला जगह। अब वो बेचारा विश्वास कर लिया उसने, अपना एक हाथ में डंडा लिया है, एक हाथ में वो सूखा लकड़ी का टुकड़ा, बस चला तो दो चार छह किलोमीटर चला होगा तो जंगल मिल गया। बट वृक्ष लगा हुआ था सुंदर, उसी बट वृक्ष के नीचे सोचा कि रात्रि विश्राम कर लें, अब कल फिर आगे तीर्थ के लिए जाएं। उसी बट वृक्ष के नीचे वो लेट गया और उस बट वृक्ष में चार डाकू बैठे थे। वो आपस में कह रहे थे कि इस गांव में आज इस कोने से हम आग लगाएंगे, उस कोने से तुम आग लगाना, उस कोने से तुम लगाना, पूरे गांव को जला करके राख कर देंगे, जब सो जाएंगे सब लोग तब करेंगे। अब ये सुन रहा था, इसने कहा यार ये लोग कितने दुष्ट हैं, पूरे गांव को नष्ट करना चाहते हैं, कितनी जीवात्माएं मर जाएंगी जल करके। अब सोचने लगा कि अब 70 तो कर ही चुके हैं, चार और सही, कम से कम गांव तो बच जाएगा। अब इसने सोचा कि ऐसे तो उतरेंगे नहीं, तो इसने कहा भैया मैं आपको उपाय बताता हूं कि गांव कैसे नष्ट किया जाएगा, आओ मेरे पास। एक उतरा नीचे, एक डंडा मारा तो उस नमो नारायण, ये तो उसका अभ्यास था। ऐसे चारों चोरों को इसने मार मार के समाप्त कर दिया। जब मर गए चार चोर, अब ये सोचा कि अब चले भैया यहाँ से, अब ये तो हत्या हो गई है, यहाँ तो रात्रि विश्राम भी ठीक नहीं। तो अपना डंडा तो लिए ही था, जैसे वो सूखी लकड़ी को उठाया वो हरी हो गई, वो हरी हो गई। अब ये सोचा कि पता नहीं महाराज जी ने कहा था कि तीर्थ में जाओगे तो लकड़ी हरी हो जाएगी, ये तो यहीं हरी हो गई, तो अब तीर्थों में क्या करना है जाकर के। महाराज जी ने कहा था जहां हरी हो जाए लौट आना। अब ये लौट करके महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने देखा उसको दूर से, आ गया ये तो, अब ये पता नहीं क्या करेगा। वो आया, महाराज जी को प्रणाम किया और बोले महाराज जी आ गए। बोले भैया तीर्थ में नहीं गए आप, बोले आप कहे थे जहां लकड़ी हरी हो जाए तो लौट आना, तीर्थ में नहीं गए। बोले तो भैया लकड़ी हरी कैसे हो गई, महात्मा ने तो इसलिए लकड़ी सूखी दिया था कि ये भटकता रहेगा, कभी सूखी लकड़ी हरी होती है क्या, ऐसे पिंड छूटेगा। लेकिन वो हरी लकड़ी को महात्मा ने देखा और पूछा भैया कौन सी तीर्थ में हरी गई है। बोले महाराज तीर्थ तो पहुंच ही नहीं पाए। बोले तो हरी कैसी गई। बोले महाराज चार चोरों को मैंने मार डाला तो ये हरी हो गई लकड़ी। बोले चार चोरों को मारने से हरी कैसे। बोले वो चार चोर पूरे गांव को जलाना चाहते, मैंने सुन लिया और मैंने इन चारों चोरों का वध कर दिया, लकड़ी हरी हो गई। बोले बेटा उनको मारने से लकड़ी हरी नहीं हुई है, आपने पूरे गांव की रक्षा करी है, ये परोपकार का कार्य किया है, तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं और तुम पुण्यात्मा हो चुके हो। परोपकार में जिसने अपने तन को अर्पण कर दिया वो मान लो कि बहुत बड़ा यज्ञ कर चुका। भरत जी ने सोचा कि इस पंच भौतिक शरीर का करेंगे भी तो क्या, चलो बलि दे रहे हैं, ये बलि दे करके संतुष्ट होंगे, अच्छा है ये शरीर तो नाशवान है। भरत जी को कोई दुख नहीं हुआ, माँ काली के सामने ले गए मारने के लिए। जैसे ही बलि देने के लिए, बलि देने वाला जो होता है खड्ग उठाया, माँ काली प्रकट हो गई, वो खड्ग छुड़ा लिया, उस बलि देने वाले का ही बलि दे दिया और भरत जी को हृदय से लगाया। भरत जी से कहा कि बेटा
तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को ये बलि देना चाहिए। ये मूर्ख नहीं जानते हैं बलि देना है तो अपने जो गंदे विचार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान की बलि दे दें। अरे ये मानो ये जीव मात्र की बलि दे करके मुझे संतुष्ट कर रहे। मैं जगत जननी कहलाती हूँ, सारे जगत के जीव मात्र की माँ हूँ। और कोई भी माँ अपने पुत्र की बलि कभी लेती है क्या? कभी भी किसी प्राणी की बलि नहीं देना चाहिए। बंदे बलि देने की बहुत इच्छा हो तो भैया अपने ही बलि दो, तब तो जाने अपनी उंगली कट जाए तो महाराज आफत आ जाती है। दूसरे के बच्चे को तुम ऐसे हिंसा करके मार दो, बताइए उसकी माँ को कितनी पीड़ा होगी, उस प्राणी को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए कभी भी किसी जीवात्मा को वध नहीं करना चाहिए। भरत जी मुक्त हो गए। और एक दिन की बात है, सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के यहां ज्ञानार्जन के लिए जा रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया तो उस कहार की जगह भरत जी को ही पालकी में लगा लिया। अब सीधे साधे भरत जी पालकी में लग गए। बेचारे उनको ज्ञान ही नहीं कि पालकी कैसे लेना चाहिए। पालकी चले तो ये नीचे देखते थे, कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, नहीं उसको कष्ट होगा। कभी देखे कि कोई चींटी कोई चींटा अगर सामने दिखे तो उसको बचाने के लिए कभी पैर लंबा कर दें कभी छोटा कर दें, तो पालकी ढोने में थोड़ा विषमता हो गई। राजा रहुगण को कष्ट होने लगा। राजा रहुगण ने डांट करके कहा, कहारो तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। कहारो ने कहा, महाराज दोष हमारा नहीं, दोष तो इस नवीन कहार का है, ये जो नया कहार है। भरत जी को देखा, एक मोटा ताजा व्यक्ति फिर भी पालकी को ढोने में कंजूसी कर रहा है। डांट दिया, रोको पालकी, उतर पड़े रहुगण पालकी से और भरत को डांटने लगे। मूर्ख तुझे लज्जा नहीं आती है, शरीर हृष्ट पुष्ट है, पालकी उठाने में कंजूसी करता है। बहुत डांट लगाई। तब भरत जी ने कहा, आप जिसको डांट रहे हैं ना वो मैं नहीं हूं। आप शरीर को कह रहे हैं ना, डांटते हो तो शरीर को ही डांट पड़ती है, आत्मा को डांट नहीं पड़ती। कहते हैं भरत जी ने कहा, राजन जिस पालकी में बैठ करके तुम ज्ञानार्जन के लिए कपिल भगवान के पास जा रहे हो, ये अहंकार की पालकी में बैठ करके जाओगे तो वो महापुरुष कपिल भगवान आपको ज्ञान तो क्या दर्शन भी नहीं देंगे। जब तक अहंकार है तब तक संत महापुरुष किसी प्रकार की कोई वकालत नहीं कर सकते, सहज बनना पड़ेगा। और राजन तुम तो एक छोटे से टुकड़े के राजा हो, मैं तो पिछले एक जन्म के पहले मैं तो पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट था। ज्ञान की बात सुनी और रहुगण ने भरत जी के शरीर में यज्ञोपवीत देखा। ऐसे ज्ञान की वार्ता सुनी तो रहुगण को बड़ा भय लगा और रहुगण ने हाथ जोड़ करके कहा, नाहम विसंके शुरिरा विव्रजान त्र्यक्ष शूलान यमशदंडा नान्यर्क सोमा निलवित्त पास्त्रात् संके ब्रशं ब्रह्म कुलावमाना। नाहम त्रिशंके, हम त्रिशूलधारी भगवान शिव से नहीं डरते हैं, भगवान शिव से भी हमको डर नहीं है। सूर्यराज वज्रान
देवराज इंद्र के वज्र से भी हमको डर नहीं है। यमस्य दंडात्, यमराज के दंड से भी हमको भय नहीं है। हम किसी से नहीं डरते हैं, डरते हैं तो केवल ब्रह्म कुलाव माना, ब्रह्म कुल से ब्राह्मण से डरते हैं, कहीं ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? भरत जी ने कहा, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, मैं तो परमात्मा का एक अंश हूं, आत्मस्वरूप हूं। आप बाह्य दृष्टि से मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं उसको देखने के लिए आपको ये नेत्र नहीं चाहिए। ज्ञान दिया व्रत जी ने, और उस ज्ञान को प्राप्त करके रहुगण चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्षमा करिए मुझे और मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान दिया व्रत जी ने और व्रत जी वहां से चले गए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को जड़ भरत की कथा सुनाई। ऐसे ही हमें आपको भी होना चाहिए, मन से परमात्मा के बन जाएं, बाहर से सबके बने रहें। मन से अपन यही मान लें कि ठाकुर जी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, अब बाहर से हम आपके हैं, आपके हैं, सबके सबकी सेवा करो। किसी को ये पता ना चले कि हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन बाहर से प्रेम सबसे और अंदर से प्रेम केवल केवल अपने प्रभु से। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं और कल की कथा में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का चरित्र होगा, अजामिल का उपाख्यान भी होगा, समुद्र मंथन होगा, वामन भगवान ने बलि को कैसे छला, ये कथा भी होगी। कल अम्बरीश महाराज की कथा होगी, श्री राम जी का चरित्र भी कल ही होगा और परशुराम जी का भी चरित्र होगा। ययाति कुल में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, यह भी कल होगा। कल कृष्ण जन्म यानी नंदोत्सव होगा, तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा। वैसे जगह कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त ही अपन लोग उत्सव मनाएंगे, केवल मन से ही उत्साहित होकर के और मन से ही सारे कार्यक्रम होंगे, कारण कि जगह बहुत छोटी सी है भैया। आज की कथा यहीं पर विश्राम, और एक बात को ध्यान देना, कोई अगर प्रसाद वितरण कराता है ना तो पहले से सूचित कर दिया करो कि कल का प्रसाद हमारी तरफ से होगा, ठीक है? कल किसका? हाँ, कल श्री भरत वासुदेव जी का प्रसाद वितरण होगा। आज किसका है? राम, राम लक्ष्मण के राम के शत्रुघ्न के राम। कल श्री राम जी की तरफ से, आज आज राम जी की तरफ से, राम परिहार की तरफ से प्रसाद वितरण होगा, ठीक है? कल हमारे भरत वासुदेव जी हैं, उनकी तरफ से प्रसाद वितरण होगा। तो हम आप सभी अब नाम संकीर्तन करते हैं। राम 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 सीता राम 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 सीता राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम सभी यजमान अपनी अपनी आरती प्रज्वलित कर लें और सब हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला यह सुख कर ली यह दुख हर ली सुख कर ली यह
दुख हरने फिर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कठोर गौरम कर्णावतारम संसार सारम उत्केंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी जयम नमामि मंदार माला गुलदान गाय कपाल माला दिव्य गिराय दिव्यम बनाय जगदम बनायो नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता जगदा तुमेव तुमेव बंधु जगदा तुमेव तुमेव विद्या जगदम तुमेव तुमेव सर्वम देव हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माय वंदनम शीतलमयरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सभी लोग थाली में ही छोड़ेंगे नीचे कोई अक्षत पुष्प नहीं छोड़ेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वाके बिहारी लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय धर्म की जय हो धर्म की जय अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय भागवत धर्म की जय भागवत धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाग्भवेत् हरिः ॐ शान्ति 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय